आओ श्री गुरु रामदास पातशाह दी जो अगम्मी वड़ियाई है उसनू गा करके अपने जीवन नू सफला करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह ने गुरु दे रुतबे बाबत ए बचन कहे ने, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहो बिद वर्णन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण। किंदे जेड़ा परमात्मा हर जरे विच जोत बन के समाया है, हर अख दी रोशनी है, हर जिस्म दी रूह है, जेड़ा खाली भांड्या नूं भरन वाला है, चाहे वो दौलतां शोहरतां ने, ये तन दी झोली है, चाहे मन दी झोली है, नाम नाल भरन वाला, ऊणिया नूं पूरे करन वाला जेड़ा परमेश्वर है, ऐसे गुरु पातशाह दीन दुनिया दे मालक अकाल पुरख गुरु रामदास पातशाह दे रूप विच दुनिया ते प्रगट होए। और जेड़ा भी गुरु रामदास पातशाह दे दर ते झुक जावेगा, सेवा करेगा, सजदा करेगा, केंदे ओ रोगां तों सोगां तों 84 लख जूनां तों पार लंघेगा, क्योंकि गुरु रामदास ही ओ नाम दा जहाज ने जो भवसागर तों पार लाउंदा है। जितने चाहे तुसी कथाकार बुला लवो, प्रोफेसर बुला लवो, विद्वान रागी ढाडी बुला लवो, इन्ना की गुरु रामदास नूं बयान कर सकदे ने जिन्ना सागर चों एक कतरा। अलख लफ्ज़ वरत्या है गुरु रामदास लई बाणी ने, कहिंदे उहदी गत उहदी वडियाई सुरती दी पकड़ तों बाहरी है, सुरती दी औकात पुजे वाली है, ते गुरु रामदास सागर है। ऐसे गुरु रामदास पातशाह दे बारे भट्टा ने कहा है, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण, समरथ कलजुग सुनत समाद शब्द जिस केरे। जेड़ा गुरु रामदास दे गीत गावेगा, जेड़ा गुरु रामदास दा नाम जपेगा, उदे बोल सुन लवेगा, उदी बाणी सुन लवेगा, जहन विच टिका लवेगा, एक ते उनू सहज समाध प्राप्त होवेगी, पावो दा मन टिकेगा, ज्ञान हासिल होवेगा, शांति मिलेगी, उदे सोग उदे डिप्रेशन मिट जाणगे, और कलयुग दे दुखां दे भयंकर समय विचों सागर चों कहिंदे पार लग जावेगा। गुरु रामदास दे नाम दी महिमा ऐसी है। बड़ा सुंदर पातशाह ने अगे कहा है बाणी विच, कहिंदे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। कई कह देंदे करामात नहीं होंदी, और दावा भी सिख जगत दी स्टेज ते बह के कर बैंदे ने भी सिखी च करामात है नहीं है। इन्हां बाणी ध्यान नाल नहीं पढ़ी, सिख जगत खलोता ही करामात ते है। साफ गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने गुरु विच इन्नी करामात है, जे तू गुरु रामदास दा नाम जपेगा तेरे घर दे विच निद खजाने आउणगे, रिद ते सिद्ध हासिल होवेगी। हुण जेड़ा सिद्ध लफ्ज है ना, ये अजमत लई आया है, करामात लई आया है। बाणी चाहुंदा ना सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, नाम सुनने वाला सिद्ध हो जाता है, जेदे गलुए मुबारक चो नाम बोल बन के निकले, जेदे जहन विच नाम टिक जावे, कहिंदे वो इंसान रिद्धियां सिद्धियां दा मालक बन जाता है।
करामाती होने पड़दा है। He will got all the spiritual miraculous powers जिन्निया भी असमतां ने उहदे हत्थां ते नचदियां ने। बाणी ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब तक पांच गुरुआं दे नाम ने। एक जगह हरगोबिंद लफ्ज आउंदा है। जे दस नाम तुसी पढ़ने ने फिर चंडी दी वार दसम ग्रंथ पढ़ना पैंदा है। उहदे विच दसां गुरुआं दे नाम ने। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें होई सहाए अर्जन हरगोबिंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै। ये हो गए नौ नाम। दसवां आउंदा है बाहे गहे की लाज अस गोबिंदास तुहार। दसम पातशाह तो बाद दस नाम भाई साहिब भाई नंद लाल ने लिखे ने। भाई गुरदास जी ने छे नाम लिखे ने छिया गुरुआ दे। फिर जेड़ा भाई गुरदास दूजा है उन्हें अगे अगलिया पातशाहियां दे नाम लिखे ने। खैर भाई नंद लाल जी ने नाम लिखे ने नाल नाल परशियन विच फारसी विच डेफिनेशन भी दसा नावां दी दित्ती है। गुरु रामदास पातशाह दी शान विचो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 52 कवियों चो सिरमौर कवि भाई नंद लाल अपनी पुरजोर कलम का साढ़े सामे प्रगटावा करते हुए बचन करते ने राय करामात इंतहाएश रूहे हर जिसम अलफे बादी अला तू अजहर इसम। ये अर्थ समझो भाई साहिब भाई नंद लाल कहिंदे राय भाव रामदास दा पहला रारा। ये अर्थ रखता है कि गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह अनंत बेअंत ताकतां दे मालक ने वारस ने। उन्हां दा जेड़ा शरीर है पावन उदे अंदर जो परमेश्वर दी अगमी जोत है जो हर सरे विच समाई हुई है वो निर्गुण जोत ते गुरु रामदास सरगुण स्वरूप दोवें एक मिक ने। परमात्मा विच ते गुरु रामदास विच कोई फर्क नहीं है। कहिंदे मेरी नज़र हर शरीर दे विच जिस रूह नू वेखदी है वो रूह गुरु रामदास दी है। हर अख दे विचला जेड़ा नूर है वह गुरु रामदास है। गुरु ग्रंथ साहिब भी तो कहिंदे ने ना धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हार है धारिया। कहिंदे गुरु रामदास जो एक शरीर का नाम है ये मुजस्मा अकाल पुरख ने बड़ा रीझ के तैयार किया। शरीर तैयार करके उसनू सवारिया सुंदर बनाया फिर कहिंदे अपनी पूरी करामात लैके जिहड़े कहिंदे करामात है नहीं वह अर्थ समझियो अपनी समुची अजमत लैके परम ईश्वर आप सिरजन हार है धारिया। उस महल विच टिक गया उस शरीर नूं अकाल पुरख ने धार लिया। हुण शरीर ते अपने सारयां दे वी रब ने ही बनाए ने पर थोड़ा जिहा फासला है। तुहाडे चों कोई ना कोई बिल्डर भी होवेगा कोई कंस्ट्रक्शन दा काम करदा होवेगा
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲੰਤ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਸਤੀ ਟਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਇਟੈਲੀਅਨ ਮਾਰਬਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਛੂਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਮਹੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਹੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਜੋ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਲਿਫੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚਲਾ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਕੱਲਾ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ, ਮੀਮੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਤਕਰੀ ਮਸ਼ ਮਹਿਬੂਬੇ ਸੁਬਹਾਨੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਦਾਲੇ ਬਾ ਆਲਿਫਸ਼ ਦਾਇਮਾ ਬਾਹਕ ਮੁਕੀਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਮੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤਾਈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਲ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋ ਦੇਵ ਕਰੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਮਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ,
रज के चारा खावेगा ते जदों अपना चारा मुक जावे ते वह दूजे पशुआं नूं ढुड मारदा है उन्हां दा चारा भी खावेगा। बंदे दा सुभा है अपनी किरत कर ली इकट्ठा कर लिया फिर मुरदार खान दौड़दा है लोकां नाल पैसे पिछे लड़दा है। जिवें पशु रज पुज के लेटे मारदा है बंदे दा भी सुभा ऐसा है रब दे गीत नहीं गाउंदा ज्यादा छकेगा फिर दलिद्र घेरेगा लिटिया रवेगा सौंके जन्म जाई गवावेगा। ते जां पशु कामुक है काम बस होया पता नहीं कि वार कर दे औलाद पैदा करेगा बंदे दा भी यही सुभा है काम बस होया जीवन बतीत कर दिंदा है अपनी स्त्री छड़ के गैर स्त्री वल दौड़दा स्त्री अपना मर्द छड़ के गैर मर्द वल दौड़दी है। पशु वांगू इतने कामुक हो गए होश ना रही ते फिर जिवें टुडो टुडी हुंदे ने पशु ते इदां ही लोग लड़दे ने। साडा फर्क की है पशुआं नालों वो ये सी भी पशु जिहड़े ने आवाज ते लाउंदे ने पर उन्हां कोल सोझी नहीं रब दे गीत गा सकन सानू उन्हें रसना दिती है रब दे गीत गाउण लई। रब मिले नजात मिले 84 लख जूना चो मुक्ति पाईए जदों नाम नहीं जप पाउंदे बाकी सारे कर्म अगे पशुआं वाले ने इनू कहिंदे ने करतूत। पशु की मानस जात लत्तां दो ने करतूत सारी पशुआं वाली बना बंदा दिता परमात्मा ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने गुरु रामदास एडे निर्मल ने उन्हां दरिया रूप गुरु पातशाह अंदर जिहड़ा चुभी लावे ना उन्हां दी संगत करे उन्हां दी बाणी विच मन दा इशनान करवावे उहदी पशु बिरती उहदे विकार धुप जांदे ने उह देवता उह निबड़दा है उह महापुरश हो निबड़दा है प्रेत तों देव बन जांदा है। अगे भाई साहिब भाई नंद लाल लफ्ज वरतदे ने दाले ददे नूं कहा जांदा है रारा कन्ना मम्मा तीन अखर हो गए लगा मात्रा सने चौथा अल्फाज है ददा। भाई नंद लाल कहिंदे ने ददे दा भाव ते ददे दे नाल लगे अल्फ कन्ने दा भाव दो कन्ने आउंदे ने ना नाम विच समझाउंदे ने सानू भी गुरु रामदास पातशाह ते रब दी जात इक है। गुरु रामदास विच परमेश्वर सवाए ने ते परमात्मा विच गुरु रामदास समाया है सदा ओ इक मिक ने। गुरु रामदास अपने निर्गुण स्वरूप दे पले नाल बजे रहिंदे ने बाणी चाहुंदा ना सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। अकाल पुरख ने अपना आप गुरु रामदास विच रख के लुकाई ते प्रगट कर दिता भी गुरु रामदास परमात्मा दा स्वरूप है। अखीरले अखर ससा हुण रामदास विचला जेड़ा ससा है ना उदे बारे भाई नंद लाल परशियन विच कहिंदे ने सीने आखिरी नश सर अफराजे हर बेकस वा बादस्त गीरिये आजिजां हर दो आलम राबस। कहिंदे ऐ गुरु रामदास पातशाह तेरे नाम विचला सीने भाव ससा ये ऐसी अजमत रखदा है उपदेश दिंदा है जितने भी दीन ने गरीब ने इत्थे कल्ले तन दी गरीबी नहीं है मन दी निर्माणता नूं गरीबी कहा है। जो तेरे दर ते दीन हो गया निर्माण हो गया ससे तो भावै उन्हां दा सर बुलंद कर दिना है उन्हां दी गरीबी कट के उच्चियां उठा दिना है। जे विकारां विचों नीवे ने सत संतोख दया धर्म बख्श के बुलंद हस्ती संत वाली बख्श दिना है तेरी ए अजमत है बाणी चाहुंदा ना सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया
जे नहीं ना मां फड़दा ते समझ लई तू हरे दीन नहीं होया। हरे अपने ते थोड़ा बहुता माण होगा भी मैं कर सकदा है। जिस दिन मैं ना रही केवल तू रह गया, गुरु रामदास रह गया। कहिंदे ओ ऐसा दयालु है, भावें तू कितना भी नीवा है, कितना भी तू दुरकारिया होया है, औगुणा दे सहत है, गरीबी वस है, निर्धन है, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, तेरा मरातबा बड़ा उचा हो जाएगा। गुरु रामदास कदमा तले रुलन वालिया नू बुलंदी बख्शदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ऐ गुरु रामदास तू दस्त गीरिए है, दस्त हथ नूं कहिंदे ने, गीरिए दा मतलब पकड़ लेना। तू ऐसी पहुंच दा मालक है, जेड़े कमजोर ने ना आजिज़ां दीन ने, जेड़े लोक विच दे बां फड़दा ही है, परलोक विच भी तेरा जोर पैंदा है, क्योंकि उथे तू निर्गुण स्वरूप है, नरकां विच डुबदियां नूं भी बाहों पकड़ के कढ लैंदा है। लोक ते परलोक सुहेला उन्हां दा जेड़े गुरु रामदास अगे दीन हो गए। ते असी फिर ये नाम जेड़ा रामदास है पट साहिबान कहिंदे ये जपना है। जेड़ा ये नाम जपेगा, जेड़ा उहदे गीत गावेगा, फिर उन्हूं मिलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने श्री गुरु सरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग। भुगत दा मतलब है पदार्थ, यही चाहिए ना जिंदगी बतीत करने लई। तू सेवा कर गुरु रामदास दी शरण पैके तेरी झोली भर जाएगी पदार्था नाल। मुक्त 84 लाख जूना तो मुक्ति चाहुंदे आ, डिप्रैशन तो चिंतावां तो मुक्ति चाहुंदे आ, रोगां तो मुक्ति चाहुंदे आ, शरीर नवा नरोआ चाहुंदे आ, जिंदगी विचों बिघना दा विनाश होवे चाहुंदे आ। कहिंदे गुरु रामदास इस लोक विच भी दुखां तो नजात दवावेगा, ते जिहड़े परलोक दे दुख ने जो जमा दी मार है उत्थों भी गुरु रामदास नजात दवा दिंदा है। हुण आपां महाराज दे पावन जीवन वल वधदे आं भी इन्ने बुलंद रुतबे दा मालक गुरु रामदास ऐसी महान हस्ती गुरु नानक दे घर नाल जुड़ के हो निबड़िया। बचपन वेखो ते बड़ा गरीबी भरिया, मफलिस, बड़ा दीना वाला। जदों तुसी उन्हां दे डेट ऑफ बर्थ बाबत पढ़ते हो, आगाज प्रकाश बाबत पढ़ते हो, 1591 विक्रमी संमत कतक वधी दूज महाराज लाहौर दी चूना मंडी प्रगट होए। कर्मा वाली मां दया कौर है, भागा वाला बाप बाबा हरदास है। देवनेत जिहड़ी है ना बड़ी बुलंद है, जो पांच भूतक शरीर विच आया है वो शरीर मिटेगा, उस जोत नू अगले पेंडे वाल चलना ही पवेगा। थिरता नहीं है, महल टिकिया रहन वाला नहीं है। पंथ प्रकाश दे बोल ने गुर इतिहास ते कहिंदे ने सोडी हरिदास हरदासू दया कौर माता घर खासू। ये परिवार का जिक्र हो गया। कहिंदे माई बाप बचपन च ही चलाना कर गए, जो दाना पानी लिखिया सी उन्हां दे कर्मां विचों चुग के दुनिया तो चले गए। पंथ प्रकाश विच जिक्र है इसी भांत बहु काल बितायो, मात पिता सुरपुर मग लयो। हुण घर विच गरीबी आई, बाप नहीं ना रहा कमाउण वाला। बासर के नानके ने नानी चल के चूना मंडी लाहौर आ गई है। हुण सोडियां दा परिवार सी, अमीर बड़े सन, जदों बाप ना रहा ते गरीबी आउणी सी।
नानी जदों पास आई ते उन्हें घुंगड़िया छोले बाल के एक छाबे च पाने ते जेड़ी उम्र बाबा जेठा जी दी पढ़न दी सी ना गलियां विच बच्चियां नाल खेडन दी सी वो किरत दे विच लगना पै गया और जो सारी दिहाड़ी घुंगड़िया वेच के कमाउंदे ने ओदी रस्त आउंदी है दाल आटा लियांदा जांदा है ते मां नानी रोटियां पका के दिंदी है चाचे ताए शरीक किसे ने मां नहीं फड़ी किसे ने साथ नहीं दिता दुखां लदा जीवन हो गया बाबा जेठा जी दा कोई आसरा ना बनिया देखो बड़ी मधुर मिठी आवाज विच बाबा जेठा गलियां च जाके घुंगड़ियां छोले वेच देने लेकर गए बाजार किरपाला होका देवत मधुर बिसाला गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे बोल कवि संतोख सिंह जी लिखते ने होका दे दे के कहिंदे घुंगड़ियां वेचदे ने सुभा बड़ा दया वाला है हालात भावे गरीबी वाले ने लोड़वंद नूं बिना माया ले ही घुंगड़ियां दे आउंदे ने एक सिद्धांत है दुनिया का चार पैसे ने तेरे कोल ते यार मित्र साग संबंधी इउं मंडराउणगे तेरे कोल जिवें गुड़ ते मक्खियां मंडराउंदियां ने पैसा ना रवे साग संबंधी मित्र छड जांदे ने इउं डारी ला के दूर हुंदे ने जिवें मिठा मुक्कण ते मक्खियां उड़दियां ने बड़ा मशहूर शायर होया है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गुरु नानक साहब की शान विच भी उन्हें ना नज़म लिखी है बांगे दरा पढ़े कदे उदी रचना खैरो एक शेर अपनी कलम चो प्रगट करता है कहिंदा जिनके आंगन में आमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है चार पैसे ने तेरे कोल तैनू बोलन दी ना भी अकल होवे ना तैनू सभा विच गल करन दी जाच ना होवे औगणा नाल तू भरिया होवे ऐबी होवे नशे करदा होवे ते परे पंचायत विच गल करें ते कहिंदे वो पैसे दा असर माया दी बरकत ऐसी है लोग वाह वाह कर उठदे ने भी बड़ा गलकार बंदा है ते दूजे बने कोई गुणवंता होवे ज्ञानी होवे विद्वान होवे बड़े अल्फाज महान कढ़दा होवे शब्द जाल होवे जेदी जुबान तो प्रगट हुंदा परे विच बवे पंचायत विच बवे सभा विच बवे सोसाइटी विच बवे गल करे ते रंचक मात्र लोग असर नहीं करदे क्योंकि पैसे दा भार नहीं है उहदे कोल नकम्मा बंदा जे पैसे वाला है ते लोग उहदी बल्ले बल्ले करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने कुछ इस तरह फरमान कीता है निर्धन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओहो चेतना धरे गरीब बंदा मुफलिस बंदा पैसे तो हीणा बंदा उहदा कोई अदब नहीं करेगा वो जतन भी करे भी उहदा सत्कार होवे फिर भी अमीर उहदा अदब नहीं करेगा महाराज कहिंदे किधरे गरीब नूं लोड़ पै गई अमीर दी अमीर दे पास गया सामने भी अमीर बैठा होवे ते पिट फेर लैंदा है भी कुछ मंगण आया होना हुण रोज इहनूं मैं की दवां बाणी दे बोल ने जो निर्धन सरदन कह जाए आगे बैठा पीठ फिर आए किधरे अमीर नू लोड़ पै जावे गरीब ताई गरीब दा जाके बूहा खड़कावे ते गरीबड़ा बूहा खोलदा है
अमीर नूं हाथ जोड़ के अदब दवेगा भी आओ, टुटा भजा मंजा होवे ते उत्ते चादर कढ़ के विछावेगा भी बैठो। ये पैसे का असर है। महाराज कहिंदे जो सरधन निर्धन कै जाए दिया आदर लिया बुलाए। ये सारी खेड माया दी है जो परमेश्वर ने रची है। पातशाह कहिंदे ने प्रभ की कला ना मेटी जाए। ये परमात्मा दी कला है, माया उसने प्रगट की। और माया करके कई बार आपां वेख्या है इक्के मां दी कुख चों पैदा होण वाले दो भाई जे किधरे एक घर गरीबी होवे दूजे अमीरी, एक दूजे नूं बुलाउणा छड्ड दिंदे ने। पैसे दी खेड है सारी। हुण बाबा जेठा जी दे हालात ऐसे ने, गरीबी है, तन ते पुराना लिबास हुंदा है, पैरों नंगे हुंदे ने, हाथ विच घुंगणियां दा शाबा हुंदा है, शरीक ताने मेणे दिंदे ने। एक दिन नानी तंग आ गई तानिया मेणिया तो, गुटों फड़ लिया अपने फरजंद नू दोते नू। भाई हरदास दे अपने दामाद दे घर नू ताला ला के चूना मंडी तो चली है बासरके वाल नू। किसे चाचे ताए ने नहीं रोकिया, किसे शरीक ने बाह नहीं फड़ी भी जेठिया किथे चलिया है। असी पढ़ावांगे तैनू, रोजी रोटी असी खवावांगे तैनू, जदों जवानियां माणेगा उदों कमाई कर लई। सारे खुश ने भी ठीक है, ताला लगा हरदास जी दे घर। हुण मुश्किल ये है भी बासर के नानके घर भी गरीबी है ते नानी कली है। शाबा उही रहा, जगह बदल गई, कर्म वैसे ही ने। नानी घुंगड़ियां उबाल दवे, छोले उबाल दवे, बाजार वेच आउंदे ने, रस्त बस्त लैके भोजन छकदे ने। पर दया हिरदे विच बड़ी सी, कोई गरीबड़ा, कोई मुफलिस, कोई भुखा मिल जाना, दीन मिल जाना ते शाबा उदी झोली मुदा कर देना। कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच एक बचन लिखिया, कहिंदे एक सो साध तिन लियो बुलाई, हमें देहो इउं गिरा अलाई। एक साधु मिलिया जिसनूं भुख लगी है। बाबा जेठा जी नूं कहिंदा मेरी भुख मिटाओ, मुठ घुंगणियां दी उहदी झोली पाउंदे ने। उह छक लैंदा है, कहिंदा भुख नहीं मिटी हजे भी, एक मुठ होर पाई, तीसरी मुठ भी पा दित्ती। अखीर जदों साधु कहिंदा भी रज नहीं आया ते शाबा ही मुदा कर दिता उहदी झोली विच। हुण फकीर सी, पैसा है नहीं है, उन्हें कुछ ना दिता। चुप चाप दया दे घर बाबा जेठा जी घर नूं चले गए। अज घर रोटी नहीं पकी क्योंकि कमाई नहीं हुई, रस्त कित्थों आवेगी, नानी कित्थों ले आवेगी। बचपन दे हालात ऐसे सन। पर सानू एक गल उन्हां सिखा दिती, जेड़ा सिख है ना सिख, वो गुरु नानक साहब दे चलाए लंगर दी प्रथा नूं, दसवंद प्रथा नूं जीवन काल निभाउंदा है। महाराज सानू एक दया दा पाठ पढ़ाउंदे ने। लख तूं धर्म दे चिन्ह पहन लै, धार्मिक लिबास पा लै, क्योंकि हर धर्म दे अपने चिन्ह ने, अपना लिबास है, अपने धार्मिक ग्रंथ ने। कहिंदे जे तेरे अंदर दया नहीं है ते तू धर्मी नहीं बन सकता। धर्म काका है, दया मां है। जे मां ही ना होवे ते काका कित्थों जमेगा। तौल धर्म दया का पूत। सो दया दे विचों ही धर्म प्रगट हुंदा है। दया नालों वड्डा कोई गुण नहीं है। इसे दया चो जो गुरु नानक साहब ने सानू सिखाई सी, लंगर दी मर्यादा चली। सत संतोख दया कमावे एह करनी सार। कहिंदे सब तो वड्डा कर्म ए है,
हुक्म की होया सानू काल खाए किस हथों देहे नानक राहा पछाणै से कहिंदे सिखा तू किरत करी वंड छकी चंगा पहनी चंगा हंडाई चंगा खाई पर अपनी किरत चों दसवंध जरूर कढ़ी कोई भुखा मिले ते रोटी दे दे तन तो नंगा मिले ते लिबास लै दे कहिंदे जे लोकाई ते दया करेगा हर जरे च परमेश्वर नूं पहचान लवेगा ते सच दा राह तैनू समझ ला लभ पिया सच की है खुदाया कहिंदे तैनू परमेश्वर मिलेगा तेरा जीवन सफला। भाई गुरदास कहिंदे इह साडे समें सिख इह सिधांत ते चलदे सन गुरमुख हथ सुकथ हन साध संगत गुरकार कमावै गुरु घर सेवा करदे सन फिर की करदे ने किरत विरत कर धर्म दी हथों देकै भला मनावै किरत करदे ने फिर दसवंध कढदे ने आप गवाए ना आप गणावै फिर जेड़ा दसवंध कढदे सी कदे नहीं सी कहिंदे असी दसवां हिस्सा कढ़िया यही कहिंदे सी पातशाह तू 100% सानू दिता है तेरे दिते चो दसवां हिस्सा तेरे चरणा च रख चले हां जे कोई लोड़वंद आवेगा कोई लंगर छक लवेगा। हुण आ गुरु घर दी गोल तुसी माया पाउंदे प्रबंधक इहदे नाल लंगर चला लैंदे ने किधरे लंगर लगदा है किधरे दवाइयां वरताईयां जांदियां है किधरे गरीब गुरबियां नूं लिबास वी दे दित्ते जांदे ने इह सिधांत है सिख जगत दा इह दया चों प्रगट होया है जिस देग करके खालसा प्रगट है वो दया चों ही देग प्रगट होई है खालसे दी वैसे तेग भी दुनिया विच प्रगट है और ये सिख हामी भरन असी कह सकते हैं भी अपने भांडे नूं आप सलाउंदे ने मुसलमान अल्लाह यार खां दे बोल ने पंज वक्त दा नमाजी पुरश कहिंदा है जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू ऐ गुरु गोबिंद सिंह तेरी तेग दी ताकत ऐसी है जिथे तेरी देग नहीं मुकदी उथे तेग भी तेरी नहीं रुकदी जिथे दीन लई देग वरतदी है उथे दीन नूं मिटाउण वाले जुल्मो सितम ढाउण वालियां नूं तेग वरताउणा है ते ऐसा बली है मुठ्ठी पर सिंह लैके लखां नूं ढा लैंदा है खालसा देग ते तेग नाल प्रगट है खैर दया चों देग प्रगट होई और बाबा जेठा ने बचपन तो ही ये गुण सानू दर्शा दिता भी मैं दयावान हाँ मैं लोड़वंदा दियां झोलियां भरन वाला हाँ। समा आया गुरु नानक दे तख्त दे तीजे वारस गुरु अमरदास बने पिंड उन्हां दा भी बासर के है ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਲਈ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜਿਆ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਸਰਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾਨਕ हुक्म चलाई है साहिब लगी रीत परमात्मा दे हुक्म विच जिथे जिथे दाना पानी है तुहानू उथे चुगण जाना ही पैना है ये कोई अपनी मर्जी नाल देश विदेश नहीं वसदा दाना पानी खिच के लै जांदा है। बाबा जेठा जी गोइंदवाल साहिब गए गोइंदवाल दी तुलना गुरु ग्रंथ साहिब ने गोबिंदपुरी नाल कीती है हुण तुसी आखोगे गोबिंदपुरी की है सचखंड नूं कहा है जिथे गोबिंद वसदा है गो कहिंदे ने धरती नूं बिंद कहिंदे ने पालण वाले हुण जिहड़ा अकाल पुरख है वह अखां दा विशा नहीं वह निर्गुण है अजोत दिखदी थोड़ा है किसे नूं जो साडे समाई है उहदे दो रूप ने एक सरगुण है निर्गुण आप सरगुण भी ਉਹੀ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ, ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੱਠ ਵੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੈੱਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨੂੰ, ਤੋੜੋ ਖਾਂ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਛੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਖੰਡ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾ ਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗੋਸਟ, ਬੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਭੱਟਾਂ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲਾਰਡ, ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ, ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇਗਾ, ਰੋਗ ਮਿਟਣਗੇ ਤਨ ਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋਗ ਮਿਟੇਗਾ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਘੁਗੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਣ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤਣ ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
देव ने तो ऐसी हुई अज एक नानी सी ना जिहड़ी ओह वी साथ छड गई। अकाल चलाना होया पर जांदी जांदी माई गुरु अमरदास दे चरणां नाल आ गई। गुरु घर सेवा करनी अपनी किरत करनी गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह दे घर जदों तुसीं झात मारो दो साहबजादे ने बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी दो सपुत्रियां ने बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। बीबी दानी जी व्याहे ने भाई रामे नूं बीबी भानी जी जवान ने व्याहुण दी उम्र होई है। एक दिन परिवार बैठा है सामने बाबा जेठा जी सेवा कर रहे ने गुरु अमरदास पातशाह सेवा करवा रहे सी बौली दी सेवा चल रही सी गोइंदवाल वाली दी तो बाबा जेठा वल वेख के दाने प्रदाने लोग परिवार दे कहिंदे महाराज बीबी भानी लई वर इहदे वर्गा लायक ते होनहार चाहीदा है। ते गुरु अमरदास दे गलुए मुबारक चों बोल प्रगट होए इस वर्गा ते फिर यही है दूजा कोई नहीं है। इतिहास दे बोल ने पंथ प्रकाश विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे ने कहियो याहे सम इही है और नहीं जंग कोए शगन शगाई दे तबे पुन विवाह दिए सोए। कहिंदे इहदे वर्गा इह शगन लगा बीबी भानी नाल विआह कर दिता गया। हुण मैं घर दा माद हाँ ये रंचक मात्र भी जहन विच सोच नहीं लियांदी बाबे जेठे ने जानदे ने दुनियावी रिश्ते नालों ब्लड रिलेशन नालों परिवारक संबंध नालों गुरु दा संबंध अपने सेवकां नाल वध के है। जे गुरु नूं खुश करना है तो सेवा करनी पवेगी चाहे कोई दिलबंद है फरजंद है दामाद है पुत्र धियां ने सेवा वाले नूं ही सफलता है। हुण माता भानी बचपन तो ही गुरु अमरदास जी की सेवा करते ने बजुर्गों की करते ही ने ना बच्चे गुरता गद्दी ते बहण तो बाद ते करनी करनी है मिलता की है। कहिंदे सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए। अत सुखाली का भाव है अत का सुख देने वाली हर प्रकार का सुख देने वाली है। जो भी तुहाडी इच्छा होगी योर ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। कहिंदे कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी जे गुरु की सेवा करोगे। खैर बाणी च एक जगह होर आउंदा है सकियत ते नर जालप भणै गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे। जिन्हें सेवा करके गुरु अमरदास नूं खुश कर लिया उहदा जीवन सफला हो गया। सेवा च लगे बाबा जेठा जी बौली साहब बन रही है। तुसीं इक बचन सुनिया होना भी जिहड़ा बौली च इशनान करे ना गोइंदवाल उहदी 84 कट्टी जांदी है। जे 84 पौड़ियां ते 84 जपजी साहब दे पाठ करे। अच्छा कोई गैर सिख इस गल दा खंडन करे ते मन सकदे आ जी उहनां दा अपने धर्म विच अकीदा है सिखी च नहीं। साडी मुश्किल इह है लिबास भी साडे वाला ही पाउंदे ने रूप रेखा भी सिखां वाली स्टेज भी प्रबंधक अपनी दिंदे ने सिखां दी और स्टेज ते बह के करनगे ना जी ये वादू दियां गल्लां मुक्ति की हुंदी है। इदां कहिंदा गोइंदवाल कोई मुक्त होवेगा गुरु च शक्ति नहीं गुरु आम इंसान है। इन्हां मूर्खां ध्यान नाल बाणी पढ़ी नहीं है जे पढ़ी हुंदी ते संगत नूं जोड़ दे ना के तोड़ दे। जदों मैं तुहानूं रोज स्टेज ते बह के आखूं भी गुरु च करामात ही नहीं है गुरु कुछ दे ही नहीं सकदा तेरे रोग नहीं दूर करदा सोग नहीं हरदा ते तू एक दिन हाथ जोड़ देने भी गुरुद्वारे अंब लैन आना मैं जे गुरु मेरी झोली नहीं भर सकता। तो फिर कहिंदे जी देहधारियां नाल लोग जुड़ गए ने जुड़ना ही है। जदों तुसी खुद खुदा दे दर ते बह दें कह देंदे हो बह के भी गुरु दे पले कुछ नहीं है तो लोगों के फिर की लैन आना है। बाणी का कदे फुरमान ध्यान नाल पढ़ी की गुरु अमरदास मुक्ति दिंदा है। महाराज कहिंदे ने गुर अमरदास परसी है
ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਪਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਆ ਸਮਝੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਉ ਚੁੱਕ ਹੈ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਅਪਉ ਲੱਭੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਮਾਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਿਬਾਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲਬੰਦ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਹੀ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਲੰਗਰ ਛਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਲ ਸੰਗ ਸ਼ਾਦਤ ਸਰਬੰਗਾ ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਕੁਢੰਗ ਕੁਰੰਗਾ ਕਹਿਓ ਸਭਨ ਕੁਲ ਲਜਿਆ ਖੋਈ ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਮਿੱਤਰ ਕਾ ਢੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਧੋਵੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰ ਅਨੁਚਿਤ ਆਪਨੇ ਦੀਨ ਲਾਜ ਕੁਟੰਬ ਨਾ ਤੁਮਨੇ ਚੀਨ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਢੀ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਾਜ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਣ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦਾ ਸਜਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸਤਰ ਲਿਬੜੇ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਹੈ
नरकी तुहानू पाउणा सी सोडियां नू, करम चंगे ने तुहाडी वंश विच जेठा पैदा होया और इस भाई जेठे ने साडे अगे हाथ जोड़ के तुहानू रख लिया आया ते रहिंदी दुनिया तक इस बाबे जेठे करके सोडियां दा नाम प्रगट रवेगा। बाणी दा फरमान है, बोहिथो विधात निर्मयो सब संगत कुल उदरण, गुर अमरदास कीरत कह त्राह त्राह तुव पा सरण। जेड़ा हाथ जोड़े उन्हूं बख्श दिंदा गुरु अमरदास, कहिंदे ने सेवा करके मैनू वस कर लिया है और इसे सेवा करके गुरु नानक दे तख्त दा चौथा वारस मैं इनू थापिया। इहदा नाम रखिया सी जेठा घरदिया ने, ते जेठे दा मतलब है बुलंद वड्डा समर्थ। जाओ अज तो रुतबा भी इनू गुरु नानक दे तख्त दा सब तो बुलंद मैं बख्श दिता। गुरु नानक दे दर दे चौथे वारस बने, किवें बने? हुक्म रजाई जो चलै सो पवै। खजाना जेड़ा हुक्म विच चलदा है उही खजाने विच पैंदा है। 1631 बिक्रमी भादरों सुधी त्रौदसी बाबा जेठा गुरु रामदास बने। एक जोत शरीर चाहे लैदा ने, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सोडियां दे बाबा रामदास नूं गुरु नानक दा वारस थापिया गया। अपने हुंदियां गुरता गद्दी बख्शी और समुची लुकाई नूं चरणा विच बिठा दिता। सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया चरणा नाल ला दिता। राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, राज जोग दे तख्त दा वारस बनाया। एक एदा तख्त है, कहिंदे प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन, मनुख जन कियो प्रगास। खुदा गुरु नानक बनके मनुखता नूं तारन लई प्रगट सी, उहदे तख्त दा वारस बाबा रामदास बनिया। अमृत सरोवर बनाया गुरु अमरदास दे हुकम विच, गुरु का चक स्थापित कीता जिहदा नाम गुरु अर्जन साहब ने रामदासपुर रखिया। सरोवर करके अमृतसर हो निबड़िया। मैं एक बचन कह के फतेह बुलावा। देखो सब गुरधामां दा अदब ते सत्कार, पर क्यों हरिमंदर साहब की महिमा अपरंपार है। कहिंदे डिठै सबै थाव नहीं तुद जिहिया, क्यों जी बद्दो पुरख विधाते तां तूं सोहया। क्योंकि गुरधाम तीरथ साधुआं संतां संगतां ने बनाए हुंदे ने, पर हरिमंदर साहब खुदा ने आप गुरु अर्जन गुरु रामदास बन के विधाता ने बनाया है। गुरु अर्जन प्रतक हर गुरा ने बनाया है। और याद रखियो, एक बन्ने लाहौर दी चूना मंडी वल ध्यान मारियो, ते दूजे बन्ने ध्यान मारियो हरिमंदर साहब वल, बाबे रामदास वल। बाणी कहिंदी है श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह, तय हर परम पद पायो ऐ गुरु रामदास, जय जयकार है तेरी। लोग कहिंदे हुंदे सी चूना मंडी वाले बाबे जेठे नूं वेख के ए विचारा अनाथ है, ए जतीम है। अज वेखो का थोड़ा जिहा ध्यान मार के जिसनूं जतीम कहिंदे सी, ओदा दर हरिमंदर साहब लखां जतीमां दा आसरा बनिया होया है। जिहड़े कहिंदे सी ना ओ गलियां दे विच चूना मंडी लाहौर बाबा जेठा नंगे पैरी तुरिया फिरदा है, अज वेखो गुरु रामदास दे दर ते हरिमंदर साहब लखां दे गलीचे विशे होए ने कदमां तले, ते सैकड़े राजे कदम बोसी करदे ने, कदम चुमदे ने ओहदे। इत्थे लोग कहिंदे सी बेचारे जेठे दा घर है नहीं है, इहदे सिर ते छत है नहीं है, अज वेख उहदा सोने दा घर हरिमंदर साहब बनिया होया है। इत्थे लोग कहिंदे सी बेचारे दे पाटे कपड़े ने, जा जा के हरिमंदर साहब वेख
लखां दे रुमाले रोज ही बदले जांदे ने, ऐसी अजमत दा मालक गुरु रामदास है। एक उठिया ओ कहिंदा अठी पैरी रोटी नहीं जुड़दी जेठे, जा किते जाके हरिमंदर साहब वेखी, अज डेढ़ तो दो लख बंदा रोज बाबे रामदास दे दर तो ढिड भरवी रोटी खा के मुड़दा है। यह गुरु रामदास की पहुंच है। कहिंदे इहदा टिकाणा कोई नहीं, जा वेख गुरु का चक अमृतसर अज लखां व्यापारियां दा टिकाणा बनिया होया है। वह भी तो दिन सी ना जदों लाहौर दियां गलियां दे विच भाई हरदास अपने पिता दे घर नूं ताला ला के बासर के गया सी। बाबा जेठा मैं समझदा हाँ ताले तो इन्नी नफरत हो गई बाबे जेठे नूं, किधरे गुरु रामदास दे घर हरिमंदर साहब जाई 24 घंटे ही तन की खुराक लंगर, मन की खुराक कीर्तन चलता है, उहदे घर नूं कदे जिंदरा नहीं लगता। ये बाबे रामदास की खेड है। नूं बाणी कहिंदी है प्रतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणन। खाली ने ना जेड़े जेड़े हरिमंदर साहब गए, गुरु रामदास की कदम बोसी की, वह भांडे भर गए, मन की झोली बाणी नाल तन की झोली पदार्था नाल भर गई। ताहे कहा परवाह काहू की जाकै बसीस तरयो गुर हाथ, जेदे सिर ते गुरु रामदास का हाथ है उहदे रोग सोग मिटणगे। वो परवाह ना करियो, बकायदा शर्त है भी गुरु रामदास दे दर ते दीन होके झुकना पवेगा। जो सरण आवै तिस कंठ लावे, ऐसी महान बुलंद हस्ती नूं आपां याद कर रहे हाँ। सिखां दे चौथे गुरु अज जिथे निर्गुण जोत भी ने, सरगुण चोला त्याग चुके सन, शब्दा अवतार भी ने, हुण किहदे नाल जुड़ना है? वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जे वडे अवरना कोई पोथी परमेसर का थान, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। ग्रंथ इथे विचार नूं दा संकोचदा है। पंथ दे महान कीर्तनीए भाई सरबजीत सिंह जी पटना साहब वाले आ गए ने, इसे तरह ही आप संगत ने अदब सत्कार विच बैठे रहना, तुरकी बाणी सरवण करनी, खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो, ये जीवन सफला होवे। ये जेड़ी युवा साड़ी पीढ़ी है, बच्चे महान उपराला करके आप संगत दे सहयोग नाल समागम करवाउंदे ने, ये लाग इसे तरह ही लगी रवे। आप संगतां वध चढ़ के साथ दिया करो, ये गुरद्वारे सिखी नूं प्रफुल्लत करन दा केंद्र ने, और सिखी समागमां नाल ही प्रफुल्लत है। गुरु द्वारा होए सोजी पाए सी प्रबंधक जना दा धन्नवाद गज